नमस्कार, मैं कविता हूँ, कविता से चिंतन का मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं आज आप लोगों के लिए कौन सी रेसिपी लेके आई हूँ। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कविता से चिंतन तड़का को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें मेरी अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं कि आज क्या है। तो आज है आप सभी लोगों के लिए दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड मटर कुलचा, या फिर कहिए मटर छोले कुलचा, जो कि यहाँ बहुत ही फेमस है। तो चलिए आज हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, और इसी के साथ लेंगे काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्च पाउडर, नींबू, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक, और साथ में होगा आमचूर, गरम मसाला, कोई भी गरम मसाला ले लीजिएगा आप लोग, और लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी और देसी घी। तो देसी घी की जगह आप लोग ऑयल या बटर भी ले सकते हैं। जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट वो है सफ़ेद मटर और रेडीमेड कुलचा। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद मटर लिया है, जिसे कि मैंने अच्छी तरीके से पका लिया था, और इसे हम थोड़ा गाढ़ा पकाएंगे। इसके अंदर हमें ग्रेवी जैसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत हल्का ग्रेवी चाहिए। और साथ में मैंने लिया हुआ है रेडीमेड कुलचा, तो ये मैदा कुलचा है, और साथ में मैंने लिया है आटा कुलचा। हेल्थ कॉन्शियस है तो आटा कुलचा खाइए, अदरवाइज़ मैदा कुलचा भी आप खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने मटर को कैसे बनाया मैं वो सिखाती हूँ आपको। इसके लिए मैंने मटर को रात भर पानी में भीगने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने सफ़ेद मटर को कुकर में डाला, और इसमें हमें सिर्फ पानी इतना ही डालना है कि मटर पानी में डूब जाए और वो अच्छी तरीके से पक जाए। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि ये फटाफट पक जाए, और इसे हम 2 से 3 सीटी लगा के पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो मटर है यहाँ पे बिल्कुल ये तैयार है। अब चलिए हम इससे बनाएंगे इसका छोला। तो इसके लिए मैं इसमें मिलाऊंगी कटे हुए प्याज, कटा हुआ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालिएगा, साथ में ढेर सारी कटी हुई हरी धनिया पत्ती, इसके बिना ये अधूरा है। और साथ में अब हम डालेंगे यहाँ पे आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला, जीरा पाउडर, अच्छे से सारी क्वांटिटी डालिएगा अपने स्वादानुसार, और साथ में गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर आपके स्वादानुसार, ये खाने में चटपटा और तीखा होता है। और साथ में लेंगे हम काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक स्वाद को बढ़ाने के लिए, और सफ़ेद नमक, और लेंगे कसूरी मेथी, और इसे हाथों पे मसल के हम मटर में मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें नींबू, तो मैं पूरा आधा नींबू इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। कुलचे के साथ जो मटर खाया जाता है वो चटपटा यानी कि खट्टा होता है स्वाद में। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और इसी के साथ हमें ध्यान रखना है कि इसे बनाते समय हमें इसमें अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स करनी है, यानी कि चाट मसाला, आमचूर पाउडर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च अच्छी तरीके से डालिएगा, चटपटा बनाइएगा इसे। और अब चलिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम करेंगे, और इसमें हमने जो मटर का मिक्सर तैयार किया है वो इस घी में डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं वो मटर के अंदर अच्छी तरीके से एक सार हो जाए, मटर में अच्छी तरीके से समा जाए। और अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें इसे फ्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल तैयार है हमारा मटर सर्व करने के लिए। तो इसी के साथ हम बनाएंगे मटर कुलचे के साथ खाई जाने वाली अचारी मिर्ची। तो इसके लिए हमें चाहिए नमक, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, अचार का कोई भी मसाला, हल्दी, तेल, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च बीच से चीरा लगाई हुई। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे लो फ्लेम पे, हल्का गरम, और इसमें डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और अचार का मसाला, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी करीबन आधा कप, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके साथ में डालेंगे नमक, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जब भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें मिला देंगे हमारी कटी हुई हरी मिर्च, और जब तक मसाला गाढ़ा ना हो जाए हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। मिर्ची को पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मसाला गाढ़ा हो चुका है, हमारी अचारी मिर्ची तैयार है। तो मिर्ची और मटर तैयार है, तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पर मटर, और मैं इसे गार्निश करूँगी कटी हुई प्याज, टमाटर और हरी धनिया पत्ती से, और थोड़ा सा आप चाहें तो चाट मसाला इसके ऊपर और डाल सकते हैं इसे और चटपटा बनाने के लिए।
तो बस हमारा डिलीशियस सा मटर तैयार है खाने के लिए। तो चलिए अब फटाफट कुलचा तैयार करें। तो इसके लिए मैंने तवा गरम किया और इस पर मैं घी लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैंने रख दिया है हमारा कुलचा। तो कुलचे को आप लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से दबा दबा के सेक लीजिएगा और इसे दोनों तरफ से सेकिएगा ताकि इसके ऊपर अच्छे से ब्राउन पैचेज आ जाए। ब्राउन पैचेज आने की वजह से ये बहुत ही खाने में सोंधा सोंधा स्वाद देगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ आप घी या बटर जो भी लगाना चाहे अच्छे से लगाइएगा। तो ये देखिए ब्राउन पैच आने के बाद कुलचा कितना दिखने में भी सुंदर लग रहा है और इसमें से बहुत ही अच्छी से खुशबू भी आने लगती है। तो ये देखिए हमारा जो कुलचा है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। तो इसी तरीके से मैं अपने बाकी के भी जो कुलचे हैं उन्हें मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अब रख दिया है मेरा आटा कुलचा। मेरे घर में हम सभी लोग आटा कुलचा ज़्यादा पसंद करते हैं इसके हेल्दी होने की वजह से। तो यहाँ पर मैंने इसे भी अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे अलट पलट के देसी घी लगा के सेक लिया है। तो ये तैयार है। तो ये देखिए तैयार हो चुके हैं हमारी मटर कुलचा थाली। मैंने इसे बिल्कुल वैसे ही सर्व किया है जैसे मार्केट में रेड़ी वाले भैया लोग या कुलचा वाले भैया लोग सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा मटर ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, मन कर रहा है मैं फटाफट खा लूँ। और ये रहे हमारे अचारी मसाले, इनके बिना तो मटर कुलचा अधूरा है। और कुलचे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और इन कुलचों में से भी सोंधी सोंधी से खुशबू आ रही है। इसका स्वाद लीजिए कटे हुए प्याज और नींबू के साथ। तो चलिए देरी नहीं करते फटाफट खाते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर निचोड़ेंगे हम नींबू और अपने कुलचों का स्वाद लेंगे मटर मिर्च और प्याज के साथ। मटर कुलचों का जो स्वाद होता है ना वो एकदम यूनिक होता है, एकदम हटके चटपटा होता है कि अगर आप इन्हें एक बार खा लें तो आप अपने आप को इन्हें दोबारा तिबारा खाने से रोक नहीं पाएंगे। और दिल्ली के मटर कुलचों की तो बात ही अलग होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे एक ट्राई ज़रूर देंगे और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।